पानी परी किस हाल में होगी अंदर। भगवान जी प्लीज मेरी परी की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। चंद्रिका हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। कैसे हिम्मत रखूं, हमें सामने आ गए, परी अंदर है और वो प्रेग्नेंट है। अंदर कुछ भी हुआ असर दोनों पे होगा। परी की जान तो हर हाल में खतरे में ही है ना। चंद्रिका तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? वो नेगेटिव मत सोच, तू आप ही कहती है ना कि 100 नेगेटिव पे एक पॉजिटिव भारी पड़ता है। वो नेगेटिव ना सोच, संजू गया ना अंदर, वो परी को बचा के लाएगा, तू देख ले। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें तो सिचुएशन में, क्या सोचूं क्या समझूं मैं, कुछ नहीं। पापा जी के बुरा हाल, सब ठीक हो। जी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए। जश्न मना, ये दफा ढोल बजा, यही चाहती ना तू कि मेरी बेटी के साथ बुरा हो? यही बदवा दिया था ना तूने उसे कि वो कभी खुश ना रहे? मैंने कुछ नहीं किया दाई जी, परी अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रही है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता है, लेकिन कभी कभी किसी दूसरे के बुरे कर्मों का फल भी किसी और को भुगतना पड़ता है, जैसे मेरी परी भुगत रही है तेरे बुरे कर्मों का फल। ये सब तूने किया है ना? ताई जी प्लीज, इतना गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। मैं तुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ? अरे जो कोई तेरे वास्ते किसी भी हद तक जाने की ताकत रखती है, आज वो अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है और तू संजू को उसे बचाने से रोक रही थी? जरा तो शर्म कर तू। क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे वास्ते? जो कुछ उसने तेरे लिए किया ना, वो तेरी माँ ने भी तेरे लिए नहीं किया होगा, और ना ही उस संजू ने जिसके वास्ते तू ये सब कुछ कर रही है। और संजू ने तो तुझे छोड़ दिया ना, ब्याह कर रहे हो परी देनाल। लेकिन एक इंसान जिसने ना हालात देखा ना अपना फायदा देखा, हर मुसीबत जो तुझ पर आई उसने अपने ऊपर ले लिया, हमेशा तेरे नाल खड़ी रही, वो है परी। हम सब ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं, हमेशा वो यही कहती रही मेरी नीति ऐसी है, मेरी नीति वैसी है, मेरी नीति की खुशी के लिए मैं कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ। और तूने उसके लिए क्या किया? तो इस हद तक गिर गई, पर वो भी उस संजू के लिए जिसने कई बार तुझसे कहा है कि अब मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि ऐ आग तूने ही लगाया है। तू खुद अपना गुनाह कबूल कर ले और मान ले कि ऐसा सब तूने किया है। उस दिन जब मंदिर के आसपास तू घूम रही थी और उसके तुरंत बाद मंदिर में आग लगी, तभी मैंने समझ जाना चाहिए था कि तेरे गंदे इरादे किए हैं। लेकिन मैंने लगा कि सब तू गलती से कर रही है, लेकिन मैं गलत थी। तूने गलती से नहीं जानबूझकर सोच समझकर सब कुछ किया था। तो इस घर में शादी की खुशियां मनाने नहीं आई थी, तो इस घर की खुशियों को उजाड़ने आई थी। चंगी तरह समझ गई हूं तुझे, मैंने शादी की खुशियों में आग लगा दी, हमारे इस घर को जला डाला। लेकिन अगर परी का बाल भी बांका हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर की बहू थी। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कभी किसी घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगी, समझी तू? रुक जा पम्मी, रुक जा, यहीं रुक जा। तुझे पक्का यकीन है कि ये आग रीति ने ही लगाई है? तूने अपनी आंखों से देखा है कि ये आग रीति ने लगाई है, या तूने कुछ ऐसी इसकी हरकत देखी जिससे तुझे यकीन हो जाए कि ये आग इसी ने लगाई होगी? अरे तू अंधी हो गई है, परी के प्यार में अंधी होकर इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, शर्म नहीं आती है तुझे? इस घर की बड़ी बोलती है अपने आप को और इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। बेबे पहले भी तो इसी ने, पहले की बात मत कर, पहले की बात छोड़, अभी की बात बोल। अभी की बात ये है कि तुझे इसका जरा सा भी ख्याल नहीं आता? एक बार अपने को इसकी जगह पर रख कर देख, अरे तू भी औरत है और ये भी औरत है।
तुझे सिर्फ परी का ही दुख दिखाई देता है, परी की ही तकलीफ तुझे समझ में आती है। माना कि परी इस घर के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और नीति के लिए अपने प्यार को कुर्बान भी कर दिया, चल माना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसे अपने पति से दूर होने का दुख नहीं होगा, अपना घर टूटने का दुख नहीं होगा, अपना सब कुछ छिन जाने का दुख नहीं हो सकता है। एक बार ये बात ना अगर गुरिंदर करती, मैं सब सुन रही थी वहां खड़ी रहकर, गुरिंदर ये सब बोलती ना तो ठीक था। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो इतनी ज्यादा समझदार नहीं, लेकिन मुझे तुझसे ये बात की उम्मीद नहीं थी पम्मी, मेरा पूरा दिल तोड़ दिया तूने। अरे जैसे परी को इतना प्यार करती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चिंता कर लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा। नहीं रोना नहीं बेटा, अच्छा चल आ जा। इस वक्त मैनू सिर्फ परी की चिंता है। पापा जी संजू और परी साग से सही सलामत बाहर निकल आए, मैनू कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। भाई साहब। हाँ हाँ। आपने किसी लड़की को देखा? कौन लड़की भाई? ये देखिए, इसे देखा आपने? नहीं भाई, मैंने इसे नहीं देखा है। आप ध्यान से देखिए ना। अरे नहीं देखा भाई, मगर आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, आग लगी है यहाँ पे, जल्दी जाइए। ढूंढू मैं तुम्हें परी? कोई तो जवाब दो परी, प्लीज कोई जवाब दो परी, परी जवाब दो परी, परी परी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या परी? परी की आवाज। परी, परी कहाँ हो तुम? क्या देख रही हो नीति? कि अब हमारा इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है ना? जो बुराई का साथ देता है ना, उसके साथ बुरा ही होता है चंद्रिका। भाभी? नहीं नहीं नहीं, भाभी बोलने का लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम चाहो ना तो मुझे चंद्रिका बुला सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। ना तो तुम इस घर की बहू हो, ना मेरी देवरानी हो, और ना ही संजू की पत्नी हो। डिवोर्स हो चुका है तुम्हारा। हमारी अच्छाई को ना हमारी कमजोरी मत समझना नीति। अगर आज तुम यहाँ खड़ी हो ना तो केवल परी के कारण। अगर हम तुम्हारे साथ थोड़ा भी बुरा बर्ताव करेंगे ना तो वो परी को बुरा लगेगा, और तुम्हें तो पता ही है क्योंकि परी की खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। तुम शायद अपनी हद भूल गई हो, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हम अपने संस्कार नहीं भूल सकते। एक्चुअली ना संजू के लिए खुश हूं मैं कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि तुम जैसी लड़की ना उसकी जिंदगी को नरक बना देती। तुम्हारी ये जो भोली शक्ल है ना, उसके पीछे तुम्हारा जो ये शैतानी चेहरा है, कम से कम उसके सामने तो आया। ऐसे घूर क्या रही हो? हाँ ठीक है, जितना घूरना है घूर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच्चाई बयां कर रही हूँ। ये जो तुम गिरी हुई हरकतें कर रही हो ना, ये तुम अपने प्यार को पाने के लिए नहीं कर रही, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हो, समझे? तुम बहुत गर्व है ना तुम्हें कि तुम एक छोटे गांव से आई, शहर में आके मेहनत करके एरोस्टिस बनी, वर्ल्ड घूमा, और फिर क्या? फिर वही लड़का जिससे तुम प्यार करती थी, वो तुम्हें छोड़ के आज एक गांव की भोली भाली लड़की से शादी करने जा रहा है। तो हो गया ना तुम्हारा ईगो चकनाचूर, धज्जियां उड़ गई ना तुम्हारे ईगो की। नीति,
प्यार ना जबरदस्ती हथियाने का नाम नहीं है, प्यार पाने का नाम है, जैसे संजू ने पाया है परी से। अनकंडीशनल लव प्यार ना कुर्बानी मांगता है, जो परी ने दी है तुम्हारे लिए, संजू के लिए और इस घर के लिए। लेकिन मैं भी पागल हूं ना, मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रही हूँ। जिसने कभी इस घर को अपना माना ही नहीं, तुमने हमें, अपने इस घर के सभी लोगों को कभी अपनाया ही नहीं है। तुम सिर्फ खुद को प्यार करती हो और तुम्हारे लिए अपनी खुशी से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में इसे? सेल्फ लव, है ना? सेल्फ लव बोलते हैं ना? हमारी लैंग्वेज में इसे खुदगर्जी कहा जाता है। परी, आवाज तो यहीं से आ रही थी। परी, परी कहाँ हो तुम? प्लीज कोई इशारा करो परी, प्लीज। सर, आप चले जाइए यहाँ से। यहाँ पर रुकना सही नहीं है, इतनी भयानक आग है चारों तरफ, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अरे आप अपना काम कीजिए, मैं अपना देख लूंगा यार, प्लीज। देखिए सर, मुझे पता है कि आप मेरी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, अंदर मेरी फियांसे फंसी हुई है और उसे मैं किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और मान लीजिए अगर आप मेरी जगह हो और आपकी फैमिली मेंबर में से कोई अंदर फंसा हो तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे। मेरी ड्यूटी है आपको खतरे से आगाह करने की। देखिए आग बढ़ती जा रही है, ऐसे में यहाँ रुकना सेफ नहीं है। अभी तक आपके फियांसे को भी बाहर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी आग में सर्वाइव करना नामुमकिन है। आप समझते क्यों नहीं हो? जाओ। पानी पानी पानी, अभी लाए पानी सर। लाओ सर, लाओ लाओ लाओ, ये लीजिए पानी। सर पानी पीजिए, सर पानी। थैंक यू। आप रख लीजिए, आपको आपको काम आएगा। थैंक यू। और सर, मैं यहाँ अपनी परी के लिए आया हूँ और उसे किसी भी हाल में सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊंगा। सर वहां आग बढ़ती जा रही है, चलिए चलिए जल्दी। हाँ, सर अपना ध्यान रखिए। परी, 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 परी कहाँ हो तुम? परी प्लीज कोई आवाज दो, कोई इशारा दो। परी मैं तुम्हारा राजीव। परी, परी कहाँ हो तुम? परी प्लीज कोई इशारा करो। परी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। परी कहाँ हो तुम? परी, परी कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया? लगता है भगवान जी ने मेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है। पहले नीति से डाइवोर्स और अब तुम। परी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा। अरे तुम जहां कहीं भी हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अरे 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 कहाँ हो? अरे तुम कहाँ हो? अरे
परी आंखें खोलो परी। तुम कैसे बचो? मैं आ रहा हूँ। देखना मैं आ गया ना परी, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो परी, तुम बस हिम्मत रखो। परी ने इस घर को ना मकान से घर बनाया नीति। घर के हर एक मेंबर को एक कड़ी से जोड़ के रखा है उसने। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लालच करे वो सबके लिए हमेशा सब कुछ करती गई, और इसीलिए आज हम सब उससे प्यार करते हैं। तुमसे? तुम्हें कोई नहीं चाहता नीति, कोई भी नहीं। तुम्हारा इस घर में गृह प्रवेश भी ना केवल परी के कारण हुआ था, क्योंकि उसने घर के हर एक मेंबर को तुम्हारे लिए कन्विंस किया था, और तब जाके तुम अपने पति के साथ इस घर में रह पाई थी। अगर परी चाहती ना तो तुम्हें यू घर से धक्का देके बाहर निकाल देती, क्योंकि तुम उसकी सौत थी। लेकिन परी तो भोली है ना, उसने तुम्हें कभी सौत माना ही नहीं, उसने तुम्हें अपना दोस्त माना, और उसी दोस्ती के कारण वो तुम्हारे लिए कुर्बानियां देती चली गई। जितना वो सैक्रिफाइसेस कर रही थी ना, तुम उससे उतना ही दूर जाती जा रही थी। अरे लोग अपने दुश्मन का भी ऐसी हालात में ना खुशी नहीं मनाते, और तुम क्या समझोगी दोस्ती को, तुम क्या निभाओगी दोस्ती, तुम तो दोस्ती के मायने ही नहीं जानती। तरस आता है मुझे। एक बात याद रखना नीति, जबरदस्ती तुम किसी से प्यार नहीं हथिया सकती। मान लेते कि कुछ भी करके तुम संजू से अपना रिश्ता बना लोगी, लेकिन वो रिश्ता कितने दिन तक टिकेगा, कितने दिन तक निभा पाओगी उस रिश्ते को तुम? देखो तुम्हें दया आ रही है मुझे तुम पे, कि तुम बिना शर्त वाले प्यार की अहमियत कभी जान ही नहीं पाए, कभी उसकी कदर ही नहीं कर पाई तुम। बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है आपने, पर इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, भगवान पर से भरोसा उठ गया, या फिर सच में आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आपकी बेचारी परी अब बचेगी नहीं? चिंता मत करो, अगर परी सही है ना तो सही सलामत वापस आ जाएगी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, सुना होगा, फिर मैं क्या चीज हूं? संजू, तू हिम्मत नहीं हार सकता। मुझे अपने बच्चे के लिए और परी के लिए हर दर्द को सहना होगा, और तू सहेगा। उठ, उठ संजू। मैं आ रहा हूँ परी।